कहते हैं एक राजनीति में बड़ी कहावत है कि राजनीति वही कर सकता है जो मध्य मार्ग को चुने। ठीक है ना, एकदम किनारे, दोनों ही किनारों पर चलने वाले लोग राजनीति में बहुत लंबा नहीं चलते, जो मध्य मार्ग में चला है वही राजनीति में। बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो है इस लड़ाई को मात्र अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से कहीं ना कहीं उसके पूरे ढांचे को जो है यहाँ पर नेस्तनाबूद करने की कोशिश की। जनता अभी भी मेरे को चाहती है कि नहीं, और देखा जाए वह रिपोर्ट साबित करती नजर आएंगी कि जनता का विश्वास अभी भी है कि नहीं, और उसी से ये साबित होगा कि ये फंसाया जा रहा है या फिर यहाँ पर खुद अरविंद नमस्कार, मैं नाजमिन खान, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। कई सालों से दिल्ली पर राज करने वाले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें क्या अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्या अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने आंदोलन के जरिए अपनी राजनीति की शुरुआत की, क्या अब उनका सफर खत्म होने वाला है? क्योंकि ये अनुमान कोई और नहीं बल्कि उनकी पार्टी लगाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी आज से एक बड़ा अभियान चला रही है जिसमें मैं भी अरविंद केजरीवाल की बात की जा रही है, और घर घर यहां पर आम आदमी पार्टी पहुंचेगी और लोगों से जानेगी क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या अरविंद केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। क्या आम आदमी पार्टी को भनक लग चुकी है कि अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है और सीधे सीधे तौर पर उनका इस्तीफा देना तय माना जा रहा है? तमाम सवाल यहां पर बनते हैं। न्यूज रूम में तमाम साथी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार केजरीवाल के इस पूरे मुद्दे को लेकर जो अबकारी नीति में फंसे हुए हैं संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर आता है। पहला समन ईडी का जो आता है, सीबीआई से पूछताछ, सीबीआई ने पूछताछ जो पहले से ही अरविंद केजरीवाल से कर ली है, अब ईडी का पहला नोटिस, उसके बाद केजरीवाल का जवाब, अब दूसरे नोटिस का इंतजार तो किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसी बीच इस्तीफे को लेकर एक बड़ा अभियान 1 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक चलाया जाएगा। क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे? सबसे पहले हमारे साथ राकेश सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की बात और अरविंद केजरीवाल की बात की जा रही है कि जेल से सरकार चलाते हुए नजर आएंगे, आम आदमी पार्टी कुछ ज्यादा करती हुई नजर नहीं आ रही है? क्योंकि मामला तो यहाँ पर सिर्फ संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को लेकर है, ना ईडी यहाँ पर दूसरा नोटिस जारी कर रही है, ना ही भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती हुई नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी से हवा बनाने की कोशिश कर रही है कि इस्तीफा देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। देखिए नाजमीन, यहाँ पे आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले में पॉलिटिकल वॉकओवर लेने के प्रयास में है। आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये जो मामला जांच एजेंसियों के पास है और न्यायिक घेरे में है, इसमें पॉलिटिकल वॉकओवर कैसे लिया जाए। कारण ये भी है कि लोकसभा के चुनाव है 2024 में और आम आदमी पार्टी की नज़र दिल्ली की और पंजाब की लोकसभा सीटों पर है, जो कुल लगभग 20 के आसपास है। तो आम आदमी पार्टी ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से ये इमेज इस्टेब्लिश ना हो लोगों के बीच में कि ये दल भी बाकी दलों की तरह भ्रष्टाचारी दल निकला, जो कि बदलाव की राजनीति करने आया था लेकिन खुद बदल गया। केजरीवाल जब आ रहे थे राजनीति में, सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं ये बोलते थे कि हम राजनीतिक भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, राजनीति को साफ सुथरा कर देंगे, लोगों के जीवन को बेहतर कर देंगे, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात करें तो उनके 3 नेता लगभग जेल में है अभी, सत्येंद्र जैन मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर है। उसके बाद जीवन को बदलने की बात है तो पहले साफ हवा और अब साफ पानी के लिए तरस रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि जांच एजेंसियों और खास तौर पर भाजपा के ऊपर राजनीतिक दबाव बनाया जाए, इसलिए पूरी तरीके से ये जो डोर टू डोर कैंपेन में मैं भी केजरीवाल, जेल सरकार जेल से चलाएंगे, इस तरह की बातें उछाली जा रही हैं। जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को फंसाने के लिए कहीं ना कहीं कर रही है, क्या ये नहीं लगता है कि दिल्ली में 3 बार अरविंद केजरीवाल चुने जा चुके हैं, एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को डर लगने लगा है कि दिल्ली तो उनके हाथों से जाने वाली है, इसलिए तमाम कोशिशें ये सरकारी एजेंसियों को उनके पीछे लगाया गया और एक मुद्दा मिल गया है शराब घोटाले का, और उसे पकड़ते हुए तमाम नेताओं को जेल में डालने की तैयारी है? देखिए, बीजेपी के हाथ में तो वैसे भी दिल्ली अब
लगभग 30 साल हो गए जब बीजेपी की सरकार नहीं आई, 30 सालों से राजनीतिक वनवास में है बीजेपी दिल्ली में। कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश तो है कि दिल्ली में आया जाए, केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश होने के अपने बहुत अलग राजनीतिक और भौगोलिक फायदे हैं, तो भाजपा की कोशिश है कि आया जाए। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ नाज़मीन, कि ये जो भाजपा कर रही है वो पहले की सरकारें भी करती आई हैं। केजरीवाल को कोशिश करनी चाहिए थी कि एक समन्वय स्थापित करने की केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर और केंद्र की ओर से मनोनीत उपराज्यपाल से, तो ज़्यादा बेहतर होता जनता के लिए, क्योंकि वो हर बार बोलते हैं मैं जनता का मुख्यमंत्री हूँ, जनता का बेटा हूँ। तो देखिए ना, कहते हैं एक राजनीति में बड़ी कहावत है कि राजनीति वही कर सकता है जो मध्य मार्ग को चुने, ठीक है ना, एकदम किनारे, दोनों ही किनारों पर चलने वाले लोग राजनीति में बहुत लंबा नहीं चलते, जो मध्य मार्ग में चला है वही राजनीति में लंबा चला है। लेकिन केजरीवाल साहब के साथ मुसीबत यह है कि वह मध्य मार्ग नहीं अपनाकर या तो इस तरफ रहना चाहते हैं या किनारे के उस तरफ रहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जब मुफ्त बिजली का मुद्दा उठा था तब भी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि घर घर जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, यहाँ पर एक फॉर्म भी तैयार किया गया कि आप 200 यूनिट बिजली मुफ्त लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तमाम कोशिशें तब भी की गई थी लेकिन कहीं ना कहीं अड़चन मुफ्त बिजली की योजना पर आम आदमी पार्टी की आई थी। इसी के साथ साथ देखा जाए तो अब मैं भी केजरीवाल का अभियान जो चलाया जा रहा है उसको लेकर अब इस्तीफे की बात की जा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या वाकई अपना इस्तीफा देते आएंगे, क्या इस नीति जो शराब नीति लाई गई है क्या इसमें अब अरविंद केजरीवाल का नंबर लगता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ अबरार भी मौजूद है, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अबरार, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कह रही है कि दे देना चाहिए, वही अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इस्तीफा तो ले लोगे लेकिन अरविंद केजरीवाल के विचारों को कैसे यहां पर आप खत्म करने की कोशिश करोगे। एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इस्तीफा तो यहां पर होकर रहेगा। 2 नवंबर को ईडी का समन जब आया था तो ये कहा था कि वो आखिरी दिन होगा अरविंद केजरीवाल का। आपको क्या लगता है, ये कैंपेन चलाया जा रहा है, क्या वाकई यहां पर इस्तीफा तय माना जाए? देखिए, अरविंद केजरीवाल इस बात को भांप चुके हैं पहले ही और तभी उन्होंने इस तरीके से जो है इन तमाम मुद्दों को अपने पक्ष में भुनाने का जो काम है वो अब शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो है इस लड़ाई को मात्र अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से कहीं ना कहीं उसके पूरे ढांचे को जो है यहाँ पर नेस्तनाबूद करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब देखिए, सत्येंद्र जैन, अनिश सिसोदिया, संजय सिंह, लंबा एक जो है पीरियड रहा है नेताओं को जेल में का, तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल को यह कदम उठाना ही था। हालांकि देर हुई इसमें, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह कदम उठाया और एक सही कदम माना जाएगा, क्योंकि अगर उस चीज से लगातार उन आरोपों से अगर आप डरते डरते पीछे जाते रहे तो जाहिर सी बात है कि आपकी पार्टी जो है खत्म होने के दहाने पर आ जाएगी। और आम आदमी पार्टी कोई बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, आप देखिए कि कई ऐसी पार्टियां हैं भारत की राजनीति में अभी भी जो कई बार सत्ता का हिस्सा रही और सबसे बड़े राज्य में सत्ता का रही। बीएसपी की हम बात करें और आज आप देखिए कि उनके एक विधायक हैं, 407 में से एक विधायक है उनका उत्तर प्रदेश में। तो राजनीतिक पार्टियों का हश्र कैसे बदलता है, कैसे तमाम जो है जो आप कह सकते हैं आंकड़ों के माध्यम से चीजें बदलती है, ये अरविंद केजरीवाल बखूबी जानते हैं। और एक ये सही समय था अरविंद केजरीवाल के इस कदम को उठाने का और मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं भाजपा पर भी एक दबाव बनेगा और ईडी भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब तक मात्र बयानों के जरिए यहां पर जो है एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जो ये मुहिम चलाई जा रही, जो अभियान चलाया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं, देखिए सबसे बड़ा जो उनके जहन में एक कह सकते हैं कि मामला होगा वो कार्यकर्ताओं को लेकर के होगा, क्योंकि उनका मनोबल लगातार गिर रहा है। अब पार्टी अगर नेताओं की लगातार गिरफ्तारी होती है तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता का मनोबल जो होता है टूटता है, और इस पूरे जो है अभियान के जरिए उन कार्यकर्ताओं को भी जोड़ने का एक प्रयास है। वो तमाम कार्यकर्ता लोगों के घरों तक पहुंचकर उनसे जो है इस पूरे मामले पर जो है राय लेंगे, उनकी जेल में रहकर सरकार चलानी चाहिए या फिर उनको इस्तीफा देना चाहिए, तो कार्यकर्ताओं को भी जगाने का एक अच्छा मौका है अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन ये तमाम चीज़ों को वो भुना कितना पाते हैं ये उनके लिए जो है बड़ी चुनौती है।
जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की बातें तो करते हुए नजर आते हैं लेकिन एक एक करके कई घोटाले में उनके नेता फंसते हुए दिखाई देते हैं। क्या वाकई ईमानदार हैं? ये सवाल भी उठता हुआ नजर आता है क्योंकि राजनीति में कदम रखने के बाद कोई भी ईमानदार तो नजर नहीं आता, लेकिन बार बार अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, जनता का काम चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, अरविंद केजरीवाल जब तक दिल्ली में मौजूद है तो आम जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दौलत भी मेरे साथ मौजूद है, आखिरी सवाल उनसे पूछना चाहेंगे कि दौलत जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईमानदार होने का दावा करते हैं उसी के साथ मनीष सिसोदिया घोटाले में पाए जाते हैं, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, तमाम और सांसद भी उनके मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं घोटाले में पाए गए, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं, तमाम नेता की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं, तो ये सब जब घोटाले में शामिल पाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कई कई मुद्दे उठ के यहाँ पर नजर आते हैं, उसके बावजूद भी अपने आप को ईमानदार बताते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर फंसाने की कोशिश है या खुद ही अपने आप को यहाँ पर बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखा जाए तो अब खुद अरविंद केजरीवाल यहाँ जनता से प्रूफ मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनता के बीच जाएंगे और पूछेंगे कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी अब उन्हें शक हो गया है कि जनता भी कहीं हमें नापसंद ना करने लगी हो, एक तरीके से एक लिटमस टेस्ट वो अपना कर रहे हैं अगले आने वाले चुनावों के लिए कि जनता पसंद करती है कि नहीं, क्योंकि जो उनके साथी थे पुराने उनके साथ उन्होंने राजनीति शुरुआत करी थी वो अधिकतम सब जेल में है और को नया पदभार दिया था वो उनके नाम पर भी यहाँ घोटाले सामने आ रहे हैं, यानी पूरी पार्टी यहाँ पर घोटालों में लिप्त है, जनता का जैसे विश्वास उन्होंने एक ईमानदार पार्टी बनकर जीता था, कट्टर ईमानदार नेता है, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच से खोता जा रहा है, तो एक तरीके से लिटमस टेस्ट यहाँ पर खुद अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं कि जनता अभी भी मेरे को चाहती है कि नहीं, और देखा जाए वह रिपोर्ट साबित करती हुई नजर आएंगी कि जनता का विश्वास अभी भी है कि नहीं, और उसी से ये साबित होगा कि ये फंसाया जा रहा है या फिर यहाँ पर खुद अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, अब ये अभियान के तहत जनता से तो पूछा जा रहा है लेकिन वाकई क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, इस पूरे नए मुद्दे में क्या कुछ देखा जाएगा, इस्तीफा तय माना जाएगा या फिर अरविंद केजरीवाल की जीत नजर आएगी, आपको क्या लगता है ये जो अभियान चलाया जा रहा है 1 तारीख से लेकर 20 दिसंबर तक चलाया जाएगा, इसमें क्या कुछ आपकी भागीदारी रहती है, क्या वाकई आप चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय बनती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें स्पिन 9 न्यूज़, धन्यवाद।